लोगों ने आज के वक्त में हर क्षेत्र में तरक्की की है, फिर भी पुराने अंधविश्वास को मानते हैं। भारत में कई धर्म जाति के लोग रहते हैं और हर धर्म में कोई ना कोई अंधविश्वास माना जाता है। लोग ऐसा समझते हैं कि हम इन रस्मों रिवाजों का पालन नहीं करेंगे तो कुछ बुरा हो जाएगा। तो क्या ये सब सच्ची होता है, या फिर कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि काला जादू करने से हमें जो चाहिए वो मिलेगा, सारी मन्नतें काला जादू करने से पूरी होगी। लेकिन ये सब व्यर्थ की बातें हैं। काला जादू करने से कोई मान्यता पूरी नहीं होती है। उसी तरह और कौन सी अंधश्रद्धा है और उसकी क्या वजह है, आज हम आपको बताएंगे। और इन श्रद्धा के पीछे लॉजिकल रीजन क्या है तो वो भी जानते हैं। पर अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्काई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। दही शक्कर खाना। कई बार आपने सुना होगा कि अच्छे काम के लिए जाने से पहले घर के लोग बोलते हैं कि दही शक्कर खाने के लिए, ताकि आपका काम पूरा हो जाए और सफलता मिले। इसके पीछे शुभ अशुभ से ज्यादा साइंटिफिक वजह जुड़ी है। जिस काम में दिमाग की ज्यादा जरूरत होती है, उस काम में मन का शांत होना जरूरी होता है। दही हमारे लिए नेचुरल कूलेंट का काम करता है और शुगर से ग्लूकोज के कारण एनर्जी मिलती है। और दही शक्कर खाने से पूरे दिन काम करने की एनर्जी मिलती है और साथ में बॉडी और ब्रेन का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इससे काम में फोकस रहता है और दिमाग ज्यादा काम करता है। पवित्र नदी में सिक्के फेंकना। गंगा, जमुना और नर्मदा जैसी नदी में आज भी लोग सिक्के फेंकते हैं। लोगों का मानना है कि नदी में सिक्के फेंकने से मांगी हुई इच्छा पूरी होती है। धार्मिक मान्यताओं के साथ इस बात के पीछे साइंटिफिक रीजन है। पुराने समय में ज्यादातर सिल्वर और कॉपर के सिक्के यूज किए जाते थे। सिल्वर और कॉपर की खास बात ये है कि ये पानी को शुद्ध करते हैं, जिससे उसमें रहने वाले जीव को शुद्ध पानी मिलता है। लेकिन आजकल लोग सिक्के सिर्फ अपनी मान्यता पूरी करने के लिए फेंकते हैं, जिसका कोई फायदा नहीं होता है। उल्टा फायदा उसका होगा जिसको पानी में से सिक्के मिलेंगे। रात के वक्त नाखून नहीं काटना। अभी भी लोग मानते हैं कि रात को नाखून नहीं काटने चाहिए, उससे घर में पनौती लगती है या फिर कुछ बुरा होता है। पर इस बात के पीछे सच्चा कारण ये है कि पुराने जमाने में लोगों के घर लाइट्स नहीं थी। लोग घर में छोटे दिए जलाकर रखते थे और इस वजह से रोशनी ज्यादा नहीं मिलती थी, और उस कम रोशनी में अगर नाखून काटे तो हाथ में कट जाने की संभावना होती है। और साथ ही अगर नाखून घर में कहीं गिरे या खाने में गिरे तो अंधेरे में ढूंढ भी नहीं सकते। रात को नाखून नहीं काटने का सच रीजन तो ये है। सूर्य ग्रहण देखने से अंधे होना। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूरज और पृथ्वी के बीच आता है, इसीलिए पृथ्वी पे सूरज की रोशनी पहुंच नहीं पाती है। कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के वक्त सूरज को खुली आंख से देखने पर इंसान अंधा हो जाता है, लेकिन ये बात पूरी तरह सच नहीं है। सूर्य ग्रहण देखने से आंखों पर सूरज की हानिकारक किरणें पड़ सकती है, पर इतना तेज असर नहीं होता है कि इंसान अंधा हो जाए। इसीलिए पुराने जमाने में लोगों ने आंखों को नुकसान ना हो इसीलिए ऐसा कहा था कि सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए। काली बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ होता है। ये अंधविश्वास बहुत ही ज्यादा माना जाता है। लोग ऐसे अच्छे काम के लिए जा रहे हैं और तभी बिल्ली रास्ता काटे तो लोग उस बिल्ली को मन में कई गालियां देते हैं, क्योंकि ऐसा मानना होता है कि बिल्ली ने रास्ता काटा अब काम अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये सच नहीं है। इस बात का लॉजिक पुराने जमाने से जुड़ा हुआ है। पुराने जमाने में जब लोग बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी से सफर करते थे, तब रास्ते के बीच काली बिल्ली या पैंथर जैसे जानवर आ जाने से गाड़ी खींचने वाला जानवर डर जाता था और इस वजह से वो यहाँ वहाँ भागने लगता था, और इस वजह से गाड़ी चलने वाले को उस पर नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता था। सावधानी के लिए गाड़ी चलाने वाला इंसान काली बिल्ली या पैंथर को देख के रुक जाता था। पर इस बात का अभी के वक्त में कोई लॉजिक नहीं है कि बिल्ली रास्ता काटने पर हमको रुक जाना चाहिए। तो ये थे कुछ अंधविश्वास जो अभी भी कई लोग मानते हैं। पर अभी जब आपको इन बातों का रियल लॉजिक पता चल गया है, तो आशा करते हैं कि आप इन बातों को मानना छोड़ दें। तो आपके क्या व्यूज है ये वीडियो पे, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।